कि तू क्या बोल रहा है, लोग बात देखने देखने दे, कोई दिक्कत है? ये है कि अपना हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सबसे वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज फर्स्ट एंड ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू योर फैमिली। सो आज जन्माष्टमी भी है, कृष्ण जी का बर्थडे है और आज मतलब आफ्टर 12 मेरा भी बर्थडे है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:55 और मैंने करा है कि मैं अपना मतलब कि जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा मैं 31 से करूँगा, मतलब वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं अपना रूम बता देता हूँ। जो रूम 2 महीने पहले तैयार किया था ब्लॉगिंग के लिए वो अब ख़त्म होने वाला है। मतलब स्टार्ट तो किया था ब्लॉगिंग करेंगे पर अब वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि कल इसमें किराएदार आ जाएंगे, तो मैं चले जाऊँगा 1 तारीख को, तो यहाँ किराएदार आ जाएंगे। 2 महीने के लिए जो रूम मिला था अब ये मेरा नहीं है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं अपने रूम का। तो ये मेरा हेलमेट रखा हुआ है, ये मेरे सब गैजेट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, मेरी 2 बैग्स और ये सब। कल और चीज़ बताता हूँ, तो अभी चलते हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने। जन्माष्टमी तो मोटी आ गई है, कॉपीराइट तो नहीं आएगा? क्यों आएगा, हो सकता है। भगवान तैयार हो चुके हैं, उन्हें कपड़े पहना दिए हैं और ये कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं, बड़े क्यूट से। ये मेरे फोन में भी गाना चल रहा था। किस चीज के लिए फोन चाहिए? ये गाने चल रहे हैं। गाने तो सुन चला रहे, कॉपीराइट है YouTube का। ये मेरी मम्मी है और मैं इनका बेटा हूं। आपको अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे और कृष्ण जी का भी बर्थडे आज? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कृष्ण जी का भी है और मेरे कन्नू बेटा का भी है। हाँ, तो मेरे घर का नाम कन्नू है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कन्नू कहना है, शेरा मेरा नाम। तो आरती हो गई है तो अभी केक काटना है, केक काटना बाकी रह गया ना अभी, तो केक काटेंगे और ये बैलून्स को फोड़ेंगे। ये वाला केक है ना जो मटकी फोड़ी जाती है, हाथ लगाती है तो नहीं लगाती? कर लेना, मुझे कहते हैं मटकी वाला, मुझे पकड़ने दे। जो इधर से जो वो लोनी खाते हैं भगवान, है ना, ये बटर है। तो ये पूरा सिस्टम बन चुका है और घर के जितने भी रेंटल्स हैं, मतलब जो भी जितने भी किराएदार हैं उन सबको बुला रहे हैं और अभी सेलिब्रेट करते हैं कृष्ण जी का जन्मदिन और उसके बाद फिर मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो बारिश तो होगी, वैसे भी बारिश होती है जब वो सुनो, बारिश तो वैसे भी होती है, वासुदेव उन्हें गोकुल में से ले जाते हैं, होती नहीं होती है? आज तो पूरा सीन बन गया एकदम चकाचक तरीके से। स्टार्ट नहीं तो बर्थडे तो कृष्ण जी का तो काट ले, कृष्ण जी के लिए मक्खन निकाल देती हूँ ना। ऊपर हमारे किराए पर रहते हैं, किराए खाली नाम है और सभी हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह रहते हैं, जितने भी रेंटल्स रहते हैं सब फैमिली की तरह रहते हैं। दादा आंटी और ये अंकल है और ये बच्चे हैं इनके, ये देखो ये सब सो रहे हैं, ये देखो सब। बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा और कान्हा जी का दोनों का हो गया है, तो 1:22 हो रहे हैं, तो मिलते हैं सुबह। थक गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, तो सुबह मिलते हैं। The next day.
गाइस मैं नागे तैयार हो चुका हूँ, और जो ये रूम शिफ्ट करना था ये रूम शिफ्ट कर दिया है, और जो पहले वाला रूम था वो खाली है क्योंकि वहाँ पे एक किराएदार आ गए हैं और मेरा जाना हुआ है, उनका आना हुआ है, तो वो रूम वैसे भी खाली पड़ा रहता। तो आज मेरा प्लान जो है, मतलब आज शाम को पार्टी तो करनी है, पर पार्टी से पहले एक चीज़ मुझे ठीक करा के जाना, क्योंकि मैं शायद से कल चले जाऊँगा। अगर मेरी टिकट कंफर्म हो गई, अभी वेटिंग में चल रही, कंफर्म हो गई तो मैं कल देहरादून चले जाऊँगा। तो ये जो मेरा है बीइंग शिशिर, ये शिशिर अग्रवाल करवाना है, और ये लोगो शिशिर अग्रवाल ही करवाना है। तो मैंने इसका लोगो बना दिया, बहुत अच्छा लोगो बना है मेरे, जो मुझे पसंद आया। आप बताना कमेंट करके कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, शॉप पे जाने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे, और आज शायद से मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे। और आज का मेरा आउटफिट है कुर्ता पजामा, ये खाली मैंने सिर्फ एक बार पहना है अपने यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन में, तभी पहना था, और उसके बाद एक बार मुझे चांस मिला था अपनी दीदी की शादी में, पर मैंने पहन नहीं पाया था, तो तभी से ये रखा है। तो मैंने कहा आज पहन लेते हैं, कमेंट करके बताना ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। तो अभी तो शॉप जाना, शॉप से आने के बाद मिलते हैं। Later that same evening. अभी टाइम हो रहा है 7:25, और मैं इतनी देर से दुकान पे बैठा हुआ था, दुकान पे मैं इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि बारिश हो गई थी। तो जो और भी प्लान्स थे मेरे, जैसे हेलमेट में अपना ये एडिट करवाना, मतलब नाम वाम लिखवाना, वो सब कैंसिल हो गया है। कुछ फ्रेंड्स हैं तो गेट टुगेदर हो रहा है, अभी तो पूरे फ्रेंड्स नहीं है, अभी तो मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड्स हैं और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, पर बस फिर चलते हैं। अभी बस कपड़े चेंज करता हूँ क्योंकि कपड़े हो गए हैं मेरे थोड़े मैली टाइप के, तो बस कपड़े चेंज करके और चलते हैं पार्टी शार्टी करने। मुझे लगता है मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, पर लाइट नहीं है तो शायद मोटो ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगी, तो मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग कर लूँगा, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग मैं कल करूँगा। मन तो था मेरा मोटो ब्लॉगिंग करने का, पर अब नहीं, कल करूँगा। सो गाइस, तो अभी हम डोमिनोज गए थे, माँ हम लोगों का हो गया पोपट, क्योंकि माना पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ है, पिज़्ज़ा हट में भी गए थे, माँ भी पोपट हो गया है। तो मैं अपने कुछ फ्रेंडों से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। लोकेश भाई, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, से आई टू गए, और ये अपना लंगोटिया है ईलू, ठीक है, और ये अमन और कौशल, दोनों स्कूल फ्रेंड है। बोल अबे ऐसे डरेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे कुछ भी हो अपन लोगों को करने से, मतलब जब तक तू करेगा नहीं ना ऐसे लेके, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा भाई कि तू क्या बोल रहा है। लोग बार देखने दे, कोई दिक्कत है, ये है कि अपना फोबिया हट जाएगा। तो अभी हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं, और कुछ क्या ऑर्डर किया अपन लोगों ने, भूल गया तो मैं कोई भूल गया, पनीर बटर मसाला दाल फ्राई, पनीर बटर मसाला नहीं, हाँ पनीर बटर मसाला दाल फ्राई। खाना बहुत काफी अच्छा था, खाना खा के मजा आ गया, खाना खा के मजा आया कि नहीं आया भाई। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एज विद द सेट ऑल एज ऑलवेज, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अभी ले ले, फिर मैं खाऊंगा। क्या 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 क्या